लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। तमाम शिकायतों के बाद भी नवी मुंबई की सड़कों पर ओवरलोड डंपरों का परिचालन थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते महीने इस मनमानी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट संगठन के प्रतिनिधि अनिल पाटिल ने परिवहन आयुक्त और RTO को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल अनिल पाटिल ने स्मरण पत्र देखकर अब तक क्या कार्रवाई हुई इसका जवाब मांगा है। असल में नवी मुंबई में ओवरलोड डंपर राजस्व चोरी और दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और RTO सब कुछ देखकर भी खामोश हैं। अनिल पाटिल ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे तीव्र आंदोलन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के हाईवे पर ओवरलोड ट्रकों और डंपरों का चलना थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि कानूनी पाबंदियों के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ओवरलोड डंपर पत्थर, मिट्टी और रेती पहुंचा रहे हैं। अक्सर इन डंपरों से जहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहीं सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व भी नुकसान हो रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि हाईवे पर दौड़ रहे इन ओवरलोड ट्रकों और डंपरों के खिलाफ ना तो RTO और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार है। ट्रांसपोर्ट संगठन के प्रतिनिधि अनिल पाटिल ने अब इन शिकायतों पर कार्रवाई का जवाब मांगा है। उन्होंने परिवहन आयुक्त और RTO के स्मरण पत्र देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो RTO कार्यालय पर मोर्चा निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा कानून के तहत ओवरलोड वाहनों को चलाने पर पाबंदी है। इसे रोकना RTO और ट्रैफिक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी सब कुछ देखकर भी अंधे और गूंगे भरे बने हुए हैं, जो उनकी नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।